रेत तस्करी कोई नई बात नहीं है। बड़े पैमाने पर उपराजधानी में रेत की तस्करी की जाती है। पुलिस से लेकर अन्य संबंधित विभागों में सेटिंग के सहारे माफिया बड़े ही आराम से इस अवैध धंधे को अंजाम देते हैं। इसी बीच बीते कुछ दिनों में पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई कर दर्जन भर ट्रकों से 80 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। 2 और 3 नवंबर को अपराध शाखा के सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। 14 ट्रक चालक मालिक के खिलाफ पाड़ी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच में गोंदिया से नागपुर रेत तस्करी का खुलासा हुआ है। DCP गजानंद राजमाने ने बताया कि 3 ट्रक मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अनु जैन, पंकज जैन, विनोद भोयर शामिल है। अभी कई अन्य की गिरफ्तारी होनी शेष है। बाइट तृप्ति सोनवने। अपराध शाखा के सामाजिक सुरक्षा विभाग की निरीक्षक तृप्ति सोनवने को भंडारा रोड पर रेत तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। इस वजह से 2 और 3 नवंबर की रात पुलिस ने माँ उमिया औद्योगिक क्षेत्र में जाल बिछाया। 2 दिन के भीतर रेत से भरे कुल 12 ट्रकों को पकड़ा गया। ट्रक चालकों के पास रेत से संबंधित दस्तावेज नहीं थे। चालक सिर्फ इतना ही बता पा रहे थे कि मालिक के कहने पर उन्होंने गोंदिया जिले के विविध घाटों से माल उठाया है। नागपुर में संबंधित ठेकेदारों को रेत पहुंचाने के लिए कहा गया था। इसके पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दिनांक 11/10/2020 गुन्हे शाखा सामाजिक सुरक्षा विभाग युनिट 4 आणि चेन स्नॅचिंग पथक अशा आम्ही संयुक्त कारवाई केली। यामध्ये 5 वाळूचे ट्रक डिटेन करण्यात आले होते। ते डिटेन केल्यानंतर त्यांची रॉयल्टी पावती बघितली असता त्यामध्ये 3 ब्रास वाळू क्षमता होती, पण त्यापेक्षा आम्ही वजन केलं असतं, जास्त वजनाची वाळू रेती आम्हाला मिळून आली, त्यामुळे ती चोरीची आहे। आणि तसं त्याचप्रकारे आम्ही त्यानंतर CCTV फुटेज चेक केले। त्या फुटेज चेक केल्यावरनं आम्हाला मिळून आलं की एका रॉयल्टी पावतीवर ही ह्या गाड्या ज्या आहेत त्या 2 वेळा रेती वाहतूक करतात। त्या अनुषंगाने तपास करून काल रोजी पारडी पोलीस स्टेशनला गुन्हा रजिस्टर नंबर 546/2020 306/406/420 120B गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। 14 आरोपी आहेत। 14 आरोपितांपैकी 8 आरोपींना आम्ही अटक केलेली आहे। गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोब्रागडे के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट NBC News नागपूर।